सो वेलकम दोस्तों, और मैं आपका दोस्त राहुल। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक बात करेंगे जो एग्रीगेट आप यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर जिसे आप बजरी कहते हैं, वो अपना जो साइज़ रहता है एग्रीगेट का, वो अपना 10 mm से लेकर 40 mm के बीच में होना चाहिए। ओके, और जो भी एग्रीगेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर आपका नेचुरल होना चाहिए। जो आप नदी से यूज करते हैं, नदी से लेकर, वो आपको यूज करना है अपने कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। और दूसरा बात क्या है कि अगर आप उठाते हैं वहाँ से नदी साइड से, तो आप ये चेक कर लीजिए कि वहाँ पर उसमें सील्ड है या फिर मिट्टी उसको अगर है तो धोकर उसको अच्छी तरह से पखाल कर आपको यूज़ करना है अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, और जो भी अपना जो एग्रीगेट रहता है अपना, बहुत किस्म का होता है। ओके, जो अभी के लिए अब मेरे हाथ में है वो अपना राउंडेड एग्रीगेट है। और राउंडेड एग्रीगेट अगर बात कर लेते हैं तो इस जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो वॉयड रहता है अपना, सबसे कम रहता है। ओके, जो अपना दूसरा कंक्रीट अगर बात करेंगे दूसरा एग्रीगेट को लेकर, तो इसका जो वॉयड रहता है अपना 32 से लेकर 33% रहता है। ओके, जिसके कारण से जो वर्क एबिलिटी रहता है अपना कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी अच्छा रहता है। पर इस तरह का एग्रीगेट आप हाईली कंस्ट्रक्शन, हाईली स्ट्रेंथ जो कंक्रीट आप अटेंड करना चाहते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर में आप इस तरह का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है अपना इस एग्रीगेट वो वीक रहता है। तो इसके कारण से आप इस तरह का राउंडेड एग्रीगेट आप कंस्ट्रक्शन में बहुत ही कम यूज कीजिएगा। और जहाँ पर अगर आपको एरिया ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, PCC करना है और हाईली स्ट्रेन अगर नहीं चाहिए, तो वहाँ पर आप इस तरह का यूज कर सकें। और दूसरा जो है अपना ये हो गया। ओके, जो कि अपना इरेगुलर एग्रीगेट है। अगर इरेगुलर एग्रीगेट की बात करें तो इसमें आपको राउंडेड एग्रीगेट भी मिल जाएगा, और दूसरा होता है अपना एंगुलर एग्रीगेट। ओके, तो ये दोनों चीज़ का मिश्रण होता है, राउंडेड और एंगुलर एग्रीगेट। और अगर वॉयड जो रहता है अपना कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो कंक्रीट में, वो अपना रहता है लगभग 35 से लेकर 37%। ओके, और वर्क एबिलिटी की बात करें तो अपना लेस रहता है किससे, राउंडेड एग्रीगेट से। और अगर बात करें हाईली स्ट्रेंथ कंक्रीट के मामले में, तो ये राउंडेड एग्रीगेट से ज़्यादा इरेगुलर एग्रीगेट हो गए, जो कि अपना ये है। इसमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाता है, क्योंकि जो बॉन्ड रहता है अपना एग्रीगेट्स टू मोर्टार, ओके, वो अपना ज़्यादा रहता है इरेगुलर के मामले में। तो राउंडेड से ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ इरेगुलर एग्रीगेट में मिल जाता है। और दूसरा होता है अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए आप इस तरह का यूज कर सकें, मतलब जो मीडियम स्ट्रेंथ आपको अगर गेन करना है वहाँ पर आप इस तरह का एग्रीगेट। और दूसरा तीसरा होता है एंगुलर। ओके, जो कि अपना ये हो गया। तो एंगुलर में आपको एकदम से इलंगेटेड आपको मिलेगा। ओके, और क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका हाई रहता है। ओके, जो अपना बॉन्ड रहता है इस एग्रीगेट और बजरी और आपको जो मोटा रहता है RCC या फिर PCC के मामले में, आपको हाईली रहता है, हाई स्ट्रेंथ रहता है, और जिसके कारण से जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है अपना कंक्रीट का वो भी हाई रहता है। पर जो वॉयड रहेगा आपको मैक्सिमम रहेगा, जो अपना राउंडेड और इरेगुलर के मामले में था 32 से लेकर 33, राउंडेड के लिए, इरेगुलर के लिए 35 से 37, पर इसमें 38 से लेकर 45% आपको वॉयड मिल जाता है। और इस तरह का एग्रीगेट आपको लेस वर्क एबिलिटी रहता है बाकी जो है दोनों एग्रीगेट के मामले में। तो ये अपना था 3 एग्रीगेट, जो कि अपना अभी के लिए मामले के लिए जो स्टक किया जाता है गया है यहाँ के, यहाँ पर आपको फर्स्ट हो गया अपना राउंडेड एग्रीगेट, दूसरा हो गया इरेगुलर एग्रीगेट, और तीसरा हो गया एंगुलर एग्रीगेट। ओके, और दूसरा एक छोटा सा होता है जो कि अपना, अगर बात करें कंक्रीट का, जो 10 mm से लेकर 40 mm। ओके, और ये जब जितना भी एग्रीगेट है वो सभी 40 mm के नीचे में आता है। दूसरा बात करते हैं एग्रीगेट जो कि अपना 20 mm का है। सो दोस्तों, ये हो गया अपना चौथा एग्रीगेट। ओके, जो कि अपना 20 mm डाउन एग्रीगेट है, जो कि अगर यूज के बारे में बात करें तो आपको हाईली स्ट्रेंथ कंक्रीट इससे ऑप्टेन होता है। तो हाईली स्ट्रेंथ अगर आपको RCC चाहिए, स्लैब चाहिए, तो वहाँ पर आप इस तरह का एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डस्ट है या फिर आप सील्ड भी है इसमें, तो इसको अच्छी तरह से पखाल कर
तब जाकर कंक्रीट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर दूसरा चीज़ ये आपको ख्याल रखना है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है एग्रीगेट का 10% से डाउन होना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर 1 kg अगर आप वेट करते हैं तो 24 घंटे अगर पानी में डालकर दूसरा दिन अगर आप उसको वेट कीजिएगा तो 1 kg और 1 ग्राम से कम होना चाहिए। तो उस तरह का एग्रीगेट आपको यूज़ करना है कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो यही इसी तरह का टॉपिक था दोस्तों, इसीलिए सोचे वीडियो बना ले। और नॉलेजफुल वीडियो लगे हो तो लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।